दोस्तों आज के समय में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो स्मार्टफोन तो यूज करता हो लेकिन व्हाट्सएप यूज ना करता हो। व्हाट्सएप हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, लेकिन यह भी सच है दोस्तों कि 90-95% लोगों को व्हाट्सएप के पूरे फीचर के बारे में पता नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो में व्हाट्सएप के 5 ऐसे मैजिकल टिप्स या गुप्त सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको जान के आपको व्हाट्सएप चलाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद भैया जी, टेक में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर लेता है, वो भी बिना आपसे पूछे हुए। दोस्तों आप वो भाईचारा निभाने के चक्कर में उस ग्रुप से निकल भी नहीं सकते और आप उसको लेके काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि उसमें बिना काम के बहुत से मैसेज आते रहते हैं जिससे आपके मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है, मोबाइल हैंग होने लगता है। तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप ओपन करनी है। ठीक, व्हाट्सएप पे ऊपर जो 3 डॉट्स हैं उनको टिक करिए, नीचे इसमें सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन में जाना है। अकाउंट में जाएंगे तो प्राइवेसी ऊपर सबसे दिखाई देगा, उसको टिक करिए और नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो ग्रुप आएगा, ग्रुप को ओपन करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला एवरीवन, दूसरा माय कॉन्टैक्ट और तीसरा नोबॉडी। एवरीवन मतलब आपको कोई भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। अगर माय कॉन्टैक्ट पे टिक किए हैं तो केवल आपके मोबाइल में जो भी कॉन्टैक्ट होगा वही लोग ऐड कर सकते हैं। और तीसरा आ रहा है अगर नोबॉडी पे, तो आपको कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं कर सकता। अगर आप किसी को ग्रुप में आपके पास ऐड करना है तो आपके पास मैसेज भेजेगा कि हमें आप अनलॉक करिए और मैं ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों है ये काम वाली चीज़ ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। और चलते हैं दूसरे सेटिंग में। दोस्तों कोई भी चीज़ आप जो कोई भी वीडियो या फोटो जो आप स्टेटस में लगाते हैं वो आपसे आपके इमोशन से संबंधित होता है, तो आप नहीं चाहोगे कि हमारे इमोशन से संबंधित वीडियो या फोटो कोई सारे लोग देखें। आप यही चाहोगे ना कि कोई भी पार्टिकुलर आदमी या हमारे जाने हुए लोग ही उसको देखें। तो इसके लिए ऐसा सेटिंग कर दिया जाएगा कि जिससे आप चाहोगे आपके स्टेटस को वही देख पाएगा और कोई स्टेटस नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, व्हाट्सएप को दोबारा ओपन करिए, स्टेटस पे क्लिक करिए। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद ऊपर 3 डॉट्स में जाइए और स्टेटस प्राइवेसी होगी उसको टिक करिए, तो उसमें भी 3 कॉन्टैक्ट दिखाई देंगे, नो कॉन्टैक्ट, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट और ओनली शेयर विथ। तो इसमें क्या होगा कि जो अगर माई कॉन्टैक्ट में हैं उसको टिक करके रखते हैं तो आपके जो भी कॉन्टैक्ट अगर बीच वाले यानी कि माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो इसमें सपोज करिए कि मैं इन पे टिक कर दिया तो केवल यही लोग देख, इनको छोड़ के बाकी लोग देख पाएंगे। ठीक है, और चलो इसको डिस्कार्ड करते हैं। और दूसरा है ओनली शेयर विथ, तो इस पे टिक के करते हैं तो जिनको जिनको टिक करेंगे वही लोग केवल देख पाएंगे, बाकी कोई नहीं देख पाएगा। तो है ना कमाल की दोस्तों ये। दोस्तों आप चाहते हो कि सामने वाले का मैसेज आप पढ़ लो लेकिन सामने वाले को पता ना चले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो व्हाट्सएप को ओपन करिए और 3 डॉट्स को क्लिक करिए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग के बाद अकाउंट में आएगा, अकाउंट में ही फिर प्राइवेसी, प्राइवेसी में नीचे स्क्रॉल डाउन करिए तो नीचे लिखा होगा रीड रिसिपिएंट्स रिसिप्ट, इसको चेक कर दीजिए। इसके बाद कोई भी आपका कोई किसी का भी मैसेज पढ़ लीजिएगा, उसको सामने वाले को पता नहीं चलेगा। दोस्तों दिन भर में व्हाट्सएप के बहुत से मैसेज आते हैं और सबका टोन सेम होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मैसेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस चक्कर में हमारा इम्पोर्टेंट मैसेज भी भूल जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस आदमी का मैसेज इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हम अलग से टोन बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप को ओपन करिए, सपोज करिए इनका मैसेज हमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके ऊपर डॉट पे टिक करिए और नीचे अगर कस्टम नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन टोन दिखाई देगा उसको आप टिक करेंगे तो उसमें आपको बहुत से टोन दिखाई देंगे जो आपके हिसाब से उसमें लगा सकते हैं या अपने गैलरी से भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, बहुत से टोन दिए गए हैं, आप उसको गैलरी से भी ले सकते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत से लोग होते हैं, तो आप चाहते हो कि किसी एक मेंबर को मैं तत्काल मैसेज भेजूं, तो उसके लिए क्या करना होगा? अपना व्हाट्सएप ओपन करिए, सपोज करिए नीचे आइए और ये हमारा अपना हॉस्पिटल का ग्रुप होगा, तो इसमें मैं किस मेंबर्स को चाहता हूँ मैसेज करना, तो क्या करना, ऐट द रेट टाइप करिए इस पे बस, तो सारे मेंबर्स की कांटेक्ट और डिटेल्स सामने आ जाएगी। सपोज करिए मैं किसी एक इनको भेजना है, तो उस पर टिक करके आप कोई भी मैसेज बिना व्हाट्सएप से बाहर निकले ही सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।